नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 19 सितंबर, तो चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव के समीप शनिवार की देर रात एक अज्ञात कार ने महिला को रौंद दिया। इस घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृत महिला की पहचान बसंतपुर थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव निवासी मुसाफिर शाह की 60 वर्षीय पत्नी लवंगी देवी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि लवंगी देवी सड़क पर टहल रही थी, इतने में बसंतपुर की ओर से जा रही एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने महिला को कुचल दिया। घटना के बाद कार चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग इसकी जानकारी हुई तो लोगों ने महिला को उठाकर आनंद फानंद में इलाज कराने के लिए सिवान सदर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि महिला की मौत होने की जानकारी जैसे ही परिवार के लोगों को हुई, पूरे गांव में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि महिला खाना खाकर मकान से बाहर सड़क पर टहलने के लिए गई हुई थी। घटना से पूजा पाठ चल रहा था, इसकी वजह से किसी को इसके ध्यान नहीं रहा। इतने में सड़क पर गाड़ी की तेज आवाज उन्हें सुनाई दी। वह भागे भागे मौके पर पहुंचे तो देखा कि खून से लथपथ महिला सड़क पर पड़ी हुई है, जबकि अज्ञात कार सवार मौके से अपना कार लेकर फरार हो गया था। घटना में थोड़ी देर बाद गांव के 2 युवकों ने कार का पीछा भी किया, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। वहीं इधर सड़क पर अचेत पड़ी महिला को अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत की पुष्टि हुई। अगली खबर, राजधानी पटना में पुलिस ने 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधी के पास से एक ATM कार्ड और 10 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। पुलिस ने रविवार को इसकी खुलासा किया। पुलिस की ओर से जारी बयान में बताया गया कि इन शातिरों ने पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में किराए पर फ्लैट लेकर उसमें कॉल सेंटर बनाया था। कॉल सेंटर के द्वारा अमेरिका के लोगों को ये शातिर अपना शिकार बनाते थे। एनी आइडियाज ऐप डाउनलोड कराने के बाद ये शातिर उनके बैंक खाते से रकम ट्रांसफर कर लेते थे। अगली खबर, बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन सूबे में शराब तस्करों के मंसूबे बढ़े हुए हैं। कभी ओचक चोकर की बोरी में तो कभी खाने पीने के सामान के बीच रखकर शराब की तस्करी की जाती है। सूबे के मोतिहारी में शराब तस्करी का मामला सामने आया है। तस्कर दूध की टंकी में लगभग 350 बोतल शराब लेकर सप्लाई करने के लिए निकला था। पुलिस ने पहले से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तस्करों को दबोच लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मोतिहारी के मलाही थाना क्षेत्र के दूध ढोने वाले टंकी से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। तस्कर के पास से विदेशी शराब 8 PM की 347 बोतलें जब्त की गई है। शराब तस्कर ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि वह शराब की सप्लाई करने चढ़ियाडीह से अरेराज जा रहा था। तस्कर ने बताया कि वह हफ्ते भर सप्लाई करने जाता है। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि तस्कर को सप्लाई कौन करता था। मलाही थाना अध्यक्ष संजय पाठक ने बताया कि पहले से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अगली खबर, ऑनलाइन भुगतान का असर पूरे देश पर पड़ा है। कैशलेस सिस्टम अब गांव तक भी पहुंच गया है। बिहार के बेतिया में ऑनलाइन भुगतान से संबंधित मजेदार खबर सामने आई है। दरअसल दुर्गा पूजा के लिए चंदा इकट्ठा करने वाले युवकों ने नई तरकीब लगाते हुए QR कोड अपने शर्ट पर चिपका लिया है। अब जो कैश का बहाना कर बताते हैं, उसे ऑनलाइन चंदा ले लिया जाता है। चंदा मांगने वाले युवक अब से यह कह रहे हैं कि अगर पॉकेट में कैश नहीं है तो कोई बात नहीं, स्कैनर स्कैन कीजिए और चंदा दे दीजिए। ये वाक्य बेतिया जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर घोगा गांव का है। चंदा वसूलने वाले युवक उज्जवल कुमार ने बताया कि चंदा देने वाले लोग फोन पे चंदा दे रहे हैं। अब गांव में लोग बिना किसी झिझक से डिजिटल पेमेंट भी कर रहे हैं। युवकों ने बताया कि लोग पहले पैसा नहीं होने के बात कहते थे, लेकिन जैसे ही अब QR कोड देखते हैं चंदा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। शर्ट पर QR कोड चिपका देकर लोग अब मना नहीं करते हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है तो भीख मांगने वाले भी इसमें पीछे नहीं रहे। बेतिया रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी भी डिजिटल भीख लेता है। गले में ई वॉलेट का QR कोड टांगने वाला राजू बचपन से स्टेशन पर ही रहता है। उसका कहना है कि लोग छुट्टे न होने का बहाना बनाते थे, इसलिए बैंक में खाता खुलवाकर उसने QR कोड बनवा लिया है। अब लोग बहाना नहीं बना सकते हैं। डिजिटल दुनिया का यह भिखारी बीते दिनों इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।